कमाई से, इन्हें तो सिर्फ अपना जेब भरना है, वो भी झूठी कमाई से। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड की फिजाओं में सिर्फ दो ही नाम सुर्खियों में है, एक झारखंड की महिला आईएएस या फिर कह सकते हैं राज्य सरकार की खनन एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल, और दूसरी ईडी। क्योंकि जिस तरीके से 6 मई को ईडी की ओर से पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसके बाद झारखंड की राजनीति में भी बेहद कोहराम मच गया था। आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी हो गया था, और जाहिर सी बात है कि इस तरीके की अगर बात सामने आती है तो आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो जाता है। कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी हुई थी, कई नगद भी बरामद किए गए थे। और इस बीच सुर्खियों में सिर्फ एक शख्स, एक महिला थी, वो थी पूजा सिंघल। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के ईडी कार्यालय में। लगातार जिस तरीके से बुधवार को पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद 5 दिनों का उन्हें रिमांड मिला था। रिमांड मिलने के बाद कह सकते हैं कि आज 4th दिन है, और जो ईडी के अधिकारी है वह लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आती है, या फिर कह सकते हैं एक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल ने कई दिग्गजों के भी नाम इसमें शामिल किए हैं। एक बार आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हलचल यहाँ पर है। तो हम एक बार आपको जानकारी दे दें कि जो उनके पति है अभिषेक झा, वो फिलहाल ईडी कार्यालय अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह तकरीबन 8:30 बजे मेडिकल टीम यहाँ पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि जिस तरीके से पूजा सिंघल की तबीयत जो है वो नासाज चल रही है, जिसको लेकर अगर कहे तो होटवार में जब पूजा सिंघल यानी कि बुधवार रात जब होटवार गई थी तो उनका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, जिसको लेकर मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंची थी, जांच की थी। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से खबर आ रही है कि पूजा सिंघल की तबीयत अभी ठीक है, कह सकते हैं उनका हार्ट बीट फिलहाल अप डाउन हो रहा है, लेकिन जो बीपी की बात थी वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, कह सकते हैं अभी सामान्य है। लेकिन जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, कह सकते हैं जो उनके सीए है सुमन कुमार, उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई दिग्गजों का भी नाम इसमें शामिल है, कह सकते हैं कि सुमन सिंह ने कई लोगों का भी नाम इसमें कहा है, और जिस तरीके से ईडी के जो वकील है उन्होंने अदालत को कहा है कि उन ईडी के हाथ कई जो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो ईडी के हाथ लगे हैं, उसमें कई जो राज है वो बाहर आ सकते हैं, कई बड़ा खुलासा है वो यहाँ पर हो सकता है, कई लोगों के जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। और लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, चाहे वो जनता हो या फिर जो लगातार ये सब न्यूज देख रहे हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर किसे पूजा सिंघल बचा रही है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से लगातार जो पूछताछ है ईडी की ओर से यहाँ पर जारी है, लेकिन अभी तक पूजा सिंघल की ओर से वो संतोषजनक जवाब है वो ईडी को नहीं मिल रही है, और ईडी लगातार उनसे सवाल पे सवाल पूछ रही है। जिस तरीके से उन्हें 5 दिनों का रिमांड मिला, आज 4 दिन है, और लगातार अभी भी जो पूछताछ का सिलसिला है वो चल रहा है। कह सकते हैं उनके जो पति है अभिषेक झा, उनसे भी पूछताछ चल रही है, उनके जो सीए है सुमन कुमार, उनसे भी पूछताछ चल रही है, और पूजा सिंघल से भी जो पूछताछ है वो लगातार चल रही है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से जो ईडी के वकील है उन्होंने अदालत में कहा है कि महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है ईडी के हाथ लगे है, चूंकि ईडी स्वतः संज्ञान से प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सकती है, तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाया, कह सकते हैं अदालत को उन्होंने कहा है, और अदालत की ओर से ये भी निर्देश दिया गया है कि उनसे सील बंद लिफाफे में तमाम जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं वो भेज दिया जाए। तो आप देख सकते हैं हलचल फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि जो कह सकते हैं अभिषेक झा सुबह 11 बजे तक ईडी कार्यालय पहुंचते हैं, फिलहाल अभी तक ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, लोगों का इंतजार है। क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ के लिए रोजाना जो अभिषेक झा है उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है ईडी की ओर से, लेकिन आप देख सकते हैं हलचल भी कुछ तेज अभी फिलहाल नहीं है। पूछताछ अंदर जो पूजा सिंघल है उनसे चल रही है, और जो उनके सीए है सुमन
कुमार, उनसे भी पूछताछ चल रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से क्या कुछ जो दस्तावेज की बात कर रहे हैं ईडी के वकील, उस दस्तावेज में क्या कुछ खुलासा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो राजधानी रांची के ईडी कार्यालय की थी। हालांकि अभी तक कोई हलचल यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, इंतजार है सिर्फ अभी अभिषेक झा यानी कि उनके पति अभिषेक झा की, क्योंकि रोजाना वो सुबह यहां पर आते थे और पूछताछ का जो सिलसिला है वो वहां से शुरू होता था। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये हम आपको जरूर बताएंगे और आपको अपडेट भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो पैनी नजर है वो सिर्फ अभी ईडी कार्यालय में है, तो लगातार जो भी अपडेट मिलता रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।